सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वोभद्राणि पश्यतु। सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु। सर्वदुर्गाणि तरन्तः भद्रं पश्यन्तः नवसंवत्सरावसरे प्रकृतौ नूतनत्वं रमणीयत्वं च अनुभवन्तः दर्शकाः। अभिनन्दनस्वरूपं नवाभिवन्दनं मदीयमिह स्वीकुर्वन्तु। अहमस्मि लता। नवरात्रावसरे सर्वकामान् वाप्तुं प्रयतमानाः नूतनं ज्योतिः नूतां प्रभां नव्यां प्रगतिं प्रगतिदात्रीं देवीं च श्रद्धया सम्पूजयन्तः भक्ताः। अहं नीतीश भारद्वाजः अपि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धान्वितं स्वीयं नमः प्रस्तौमि। तावत् शृण्वन्तु सुभाषितं। त्रीतायां मन्त्रशक्तिश्च ज्ञानशक्तिः कृते युगे द्वापरे युद्धशक्तिश्च संघशक्तिः कलौ युगे। सत्ययुग में ज्ञान शक्ति, त्रेता में मंत्र शक्ति तथा द्वापर में युद्ध शक्ति की प्रबलता हुआ करती है, किंतु कलयुग में संगठन की शक्ति ही प्रधान कही गई है। In Satya Yuga, the power of knowledge prevails. In Treta Yuga, it is the power of mantras. And in Dwapara Yuga, it is the strength of warfare that dominates. However, in Kali Yuga, the power of organization is said to be predominant. नीतीश, यथा नवसंवत्सरे प्रकृतिः प्रायः पूर्णतः परिवर्तमाना दृश्यते तथैव कथञ्चित् जनमनस्सु कार्येषु वापि परिवर्तनस्य परिणामः परिलक्ष्यते एव। तर्हि दर्शकाः परिवर्तमाने जगति परिवर्तितं यदपि तत् सर्वं समीक्षितुं प्रस्तुमः अत्र प्रवाहि वार्ताः। पंजाब राज्यं समेत्य भारतस्य विभिन्न भागेषु हर्षोल्लासपूर्वकं परिपालितं गतं वैसाखीति पर्व। हरिद्वारस्य हरकी पौडीति सहितं विभिन्नासु नदीषु सहस्रशः संख्यायां श्रद्धालवः पुण्यावगाहनं कृतवन्तः। अत्रावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। देशस्य शीर्षस्तरीयाः सप्तखेलकुशलाः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं मिलितवन्तः। अत्रान्तरे गेमिंग इति खेलोद्योगेन सम्बद्धेषु विभिन्न विषयेषु संवादः तेषु जातः। अथ प्रधानमन्त्री खेलकुशलैः युवभिः समं सङ्गणके चलभाषतन्त्रे च खेलाः अपि खेलितवान्। लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भाजपेति दलं समेत्य सकलदलस्य नेतारः सजवं प्रचारं समाचरन्ति। एतस्मिन् क्रमे भाजपेति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डाः नागालैण्ड राज्ये, अमितशाहः तमिलनाडु राजस्थानोत्तरप्रदेशेषु अथ राजनाथसिंहः दन्तेवाडा कांकेरीति स्थलयोः उद्बोधितवान् नैर्वाचनिकीं जनसभाम्। यथाक्रमं लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणपरः दिनाङ्कः समीपमेति तथाक्रमं कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धिः एनडीति संयुत्याः नेतारः देशस्य पृथक् पृथक् भागेषु मतदातृवर्गं स्वपक्षे समर्थनाय निर्वाचनप्रचारे लग्नाः सन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः आतंकवादं विरुध्य भारतस्य कठोरवचनपरां प्रतिबद्धतां पुनरेकदा प्रकाशयन् उक्तवान् यत् सीमापारतः आतंकवादी घटनाः नैव सहिष्यन्ते। आतंकवादिनां विरोधे कार्याचरणार्थं न कथमपि नियमः भवति। CAA इति नागरिकता संशोधन विधेः प्रवर्तनानन्तरम् उच्चतमन्यायालये एतस्य स्थगनार्थं प्रस्तुताः याचिकाः आलक्ष्य वादश्रवणावधौ मुख्यन्यायाधीशस्य DY चन्द्रचूडस्य अध्यक्षतायुतेन पीठेन स्पष्टीकृतं यत् अधुना विधेः स्थगनं नैव सम्भवम्। केन्द्रप्रशासनम् एप्रिल्मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् प्रकरणे प्रत्युत्तरं दद्यात् इत्यपि अत्र निर्दिष्टं गतम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः उक्तवान् यत् ईरान देशः इस्राइल देशं विरुध्य शीघ्रमेव आक्रमणं कर्तुं शक्नोति इति। अत्रान्तरे सुरक्षास्थितिं ध्यात्वा भारतं समेत्य अनेकैः देशैः यात्रापरामर्शाः प्रकाशिताः सन्ति। गॉड पार्टिकल इति रूपस्य अन्वेषणार्थं प्रसिद्धः नोबेल पुरस्कार विजेता 94 वर्षदेशीयः वैज्ञानिकः पीटर हिग्स् इत्येषः निधनं गतः। हिग्स् बोसोन् इति सिद्धान्तान्वेषणम् अवलम्ब्य सः संयुक्तरूपेण भौतिकी क्षेत्रे नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान् आसीत्। देशे नवरात्र पर्व सश्रद्धं समाचर्यमाणम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् एक्स् इत्याख्ये सामाजिक सञ्जालपटले अनुदिनं दुर्गामातुः प्रतिस्वरूपं निध्याय सन्दिशन् अस्ति यत् अनुवर्तमानेषु नवरात्रदिनेषु भक्ताः दुर्गामातुः नवस्वरूपाणि सश्रद्धं दिव्येन भक्तिभावेन च सह समाचरेयुः इति। गच्छता कालेन जगद्व्यवहारः अपि द्रुतगत्या गच्छति इत्येव अस्मान् प्रबोधयन्ति प्रवाही वार्ताः। समुचितं कालाधीनं हि अस्ति सकलमपि जगति एतत्। अस्तु कालेन साम्प्रतं कालगणना विषयं स्मरामि। स्मृतं चेत् कथं विलम्बः। दर्शकाः सावधानं सन्धारयन्तु। कालगणनागतं वैज्ञानिक विधि विशिष्टं हि वृत्तमेतत्। कालचक्रं भवति गतिमद् निरन्तरम्। एतस्य च कालस्य गतेः भवति सापेक्षं। समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य जगतः वा सर्वविधमपि नैसर्गिकं व्यावहारिकं च कार्यजातम्। अथ एवं महिमान्वितस्य कालस्य अपरिमेयत्वम् अनन्तं वैभवं च ज्ञातुं वयं सृष्टेः सर्वथा आरम्भात् प्रभृति एव कालगणना कालचक्र समययात्रा इत्यादिभिः शब्दैः प्रयत्नशीलाः स्मः इति तु सुविदितमेव। कालात् स्रवन्ति भूतानि कालाद् वृद्धिं प्रयान्ति च काले चास्तं नयच्छन्ति कालो मूर्तिरमूर्तिमान्। जन्यते जीवमात्रम् अधिकालं कालतत्त्वे च एतस्मिन्नेव लीनं जायते जगदपि। निस्सन्देहं समग्रसृष्टेः आरम्भः अन्तः च कालतत्त्वस्य कालचक्रस्य वा सापेक्षतां भजेते। वस्तुतः समयशब्दबोध्यमपि कालतत्त्वम् आप्राचीनकालतः एव भारतीयज्ञानपरम्परामाध्यमेन सूर्यचन्द्रनक्षत्रादीनां खगोलीयानाम् अन्तरिक्षस्थानां वा अनेकतत्त्वानाम् आलोके अधिकस्पष्टतां प्रति एति। वैदिक वाङ्मय से हम यह भी जान पाते हैं कि कैसे अत्र ऋषि ने सूर्य को आधार बनाकर महीनों की व्यवस्था का सर्वप्रथम निर्माण किया। उनका मंत्र में अथर्ववेद में मिलता है जो कि कुछ इस तरह का है, देवी त्वा अतिर्धारित सूर्य माशाय कर्तवे। इसी प्रकार तांड और जैमिनी ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि कैसे सप्ताहों की व्यवस्था का निर्माण जमदग्नि ऋषि ने किया। और सबसे बड़ी बात जिसका विश्व में कोई दूसरा उदाहरण समकक्ष नहीं है वो ये कि यशकर्ण ऋषि हमें बताते हैं कि सूर्य की अवधि 24 घंटे की है। जब वह हमारे आकाश में प्रकाशित होता है तब भी, और जब हमारे आकाश से परे कहीं और प्रकाशित होता है तब भी। कालगणना प्रपञ्चस्य आरम्भः सृष्टेः समुत्पत्तितः एव। अथ च एतस्य कालस्य लघुतमानां दीर्घतमानां च एककानां विषये वैदिकसाहित्यं खगोलशास्त्रस्य अथवा कालसम्बद्धस्य विज्ञानस्य आरम्भबिन्दुना संवत्सरस्य वा वर्षस्य वा मापदण्डैः सह अद्यत्वे अपि अत्यन्तं प्रासङ्गिकरूपेण अस्ति प्रतिबिम्बितम्। वैदिक कालगणना में संवत्सर के दो आरंभिक बिंदु भी सुनिश्चित किए गए। लगद की वेदांक ज्योतिष के अनुसार यह बिंदु होता था माघ महीने में जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसका प्रचलन महाभारत काल के कुछ समय पश्चात तक रहा, किंतु इसके समानांतर सभी वेदों के सभी ब्राह्मण ग्रंथों ने एक दूसरे बिंदु का भी चयन किया जो आज तक हमारी परंपरा में है। यह बिंदु था फाल्गुन पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब हमारा संवत्सर शुरू हुआ करता था। यही आज का विक्रम संवत है। यद्यपि आधुनिक जगति कालगणनायाः सर्वाधिक लोकप्रिया प्रणाली भारतीय प्रणालीतः भिन्ना, तथापि भारतीय काल विभाजन व्यवस्थायाः महत्त्वम् अवगम्य अद्यतन समाजः अद्यापि ज्योतिषशास्त्रीय ज्ञानेन सह प्राचीन भारतीय व्यवस्थायाः सूक्ष्मैककैः प्रभावितः इव दृश्यते एव। कालगणना की कई इकाइयों का वर्णन मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार निमेषस्य लवो ज्ञेय आम्ना तस्ते त्रयः षण षणान पंच बिंदु काष्ठां लघुता दश पंचचः। इसी प्रकार ज्योतिष रत्नाकर में भी कालगणना की एक विधि दी गई है जहां कमल की पंखुड़ी को सुई से भेदने में लगने वाले समय को त्रुटि कहा गया है। अहो के हो और रात्र के रा से बना है होरा। अंग्रेजी शब्द आर का आधार भी होरा ही है जो कि मूलतः ग्रीक शब्द होरा से बना है तथा ग्रीक भाषा और संस्कृत के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। कालस्य एककानां हि तेषां ज्ञानानुसारी अनुप्रयोगः प्राक्कालिकं पारंपरिकं खगोलशास्त्रसम्बद्धं भारतीय विज्ञानवैभवमेव ब्रह्माण्डस्य समकालिकतथ्यानां कालसापेक्षतायाः च दृष्ट्या सम्मुखम् उपस्थापयति इति निस्संदेहम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जब हम बात करते हैं तो सतयुग में राजा काकुदमी का बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक जाना और वहां से वापसी तक 27 महायुगों का बीतकर 28वें महायुग चलने का प्रसंग कई अनकहे सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यहाँ ब्रह्मलोक के उस विशाल गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर वापस पृथ्वी पर आना बताता है कि उस समय का तकनीकी और यांत्रिक ज्ञान कितना उच्चतम स्तर का था। नूनं कालगणनायाः कालचक्रस्य वा सकल वैज्ञानिक संकल्पना सम्मतं स्वरूपं आधुनिक विज्ञान सापेक्षं भारतीय समाख्यानां प्रामाणिकत्वं अवगमयति एव इति निश्चयम्। निश्चयेन कालः सृजति भूतानि, कालः संहरति प्रजाः। सनातन संस्कृतौ कालगणनायाः अतीव महत्त्वमस्ति इति तु विदितमेव। अधुना त्रिज्या प्रभागं प्रस्तोतुं समुत्सुकाः। आम्, अतः अस्माभिः त्रिज्या साक्षात्काराय कश्चित् विशिष्टः जनः एव आहूतः अस्ति, येन आधुनिके काले वैदिकघटिकायाः रचना कृतास्ति। घटिका एषा सूर्यस्य सञ्चरणानुसारं चलति। आयान्तु दर्शकाः, जानीमः एतस्याः घटिकायाः विषये अस्मदीयातिथिना आरोह श्रीवास्तववर्येण। वार्तावली दर्शकेभ्यः नमस्कारः। वार्तावल्याः एतस्मिन् त्रिज्या संवादे अस्माभिः सह उपस्थितः अस्ति वैदिकघट्याः अनुसन्धाता आरोह श्रीवास्तववर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे भवतां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनम्। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भारतीय कालगणनायाः किम महात्म्यम भवति। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, कि हम भारतीय कालगणना के ऊपर लेके जो काम किया उसको हमारे देश ने रिकॉग्नाइज किया। पूरे विश्व की जो कालगणना है या अभी जो हम इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं या हमारा भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है तो हम विक्रम पंचांग का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब डेट बदलती है या उसका वर्ष पूरा होता है तो तभी वर्ष पूरा माना जाता है जब पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। जब सूर्य का पूरी एक परिक्रमा पृथ्वी करती है तो हर सभ्यता में एक वर्ष मनाया जाता है। ऐसे ही हमारी भारतीय कालगणना में भी होता है, लेकिन हमारा जो एक दिन है वो मध्य रात्रि 12 बजे बदल दिया जाता है, जबकि आधार अगर कैलेंडर का सूर्य है तो दिन भी सूर्य उदय पे बदलना चाहिए, लेकिन आज सूर्य उदय ना पे नहीं बदलता है, वो मध्यरात्रि बदल जाता है। लेकिन हमारी वैदिक घड़ी में जब भी शून्य बसता है उस समय सूर्योदय हो रहा होता है, चाहे वो घड़ी जहां पर भी लगी हो। जब उज्जैन में शून्य बजेगा तब उज्जैन में सूर्योदय हो रहा होगा, जब दिल्ली में शून्य बजेगा तब दिल्ली में सूर्योदय हो रहा होगा। और उस सूर्योदय को नापने से ही सारे मुहूर्त का कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि भारतीय कालगणना में जो सूर्योदय से सूर्योदय के बीच की कालखंड है इसी को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं दिल्ली में आज का जब सूर्योदय हुआ है और कल का जब सूर्योदय होगा तो उनके बीच का जो अंतराल है उसको 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके हर भाग को मुहूर्त कहते हैं। और हर मुहूर्त को आगे 30 मिनट में या 30 कास्था में डिवाइड किया गया है और हर कास्था को फिर 30 सेकेंड या 30 काल में विभाजित किया गया है। तो 30 मुहूर्त, 30 काल, 30 कास्था की ये हमारी वैदिक घड़ी है, जिसको आज की भाषा में 30 आवर्स, 30 मिनट या 30 सेकंड की तरह आसानी से समझा जा सकता है। यथा जानीमः एव वयं यत् भवान् वैदिक घटीं निर्मितवान्, वस्तुतः किमासीत् उद्देश्यं, कथं भवान् प्रेरितः जातः यत् वैदिक घट्याः अधुना अपेक्षा अस्ति, आवश्यकता अस्ति। मैं इंग्लैंड में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करने गया और मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के दौरान हमें टाइम सिस्टम पढ़ाया जाता था, जिसमें पूरे विश्व में, क्योंकि हम जहाज से ट्रेवल करते हैं तो तारों सितारों की गणना से, सूर्य की गणना से हम अपनी पोजीशन कैसे निकाल पाए, इन चीजों को मालूम करते थे, जिसमें सनराइज का हमको जानना बहुत जरूरत पड़ती थी कि सूर्योदय किसी भी लोकेशन पे कब हुआ। तो इन चीजों को जानने के लिए मैंने अलग अलग प्राचीन शास्त्र और भी धर्मों के शास्त्र पढ़ने चालू किए। हम बताते हैं कि हमारा इतिहास इतना महान है, हमने काफी सारे रिसर्चेस किए हमारे ऋषि मुनियों ने, तो क्या भारत में कालगणना के ऊपर कोई रिसर्च नहीं थी? तो मैं इसको जानने की एक जिज्ञासा हुई और मैंने इसके ऊपर पढ़ना चालू किया, जिसमें मुझे इसके अंदर जब रिसर्च करते हुए मालूम पड़ा कि भारत में तो सबसे पहले से कालगणना की पद्धति थी और हमने इसको बहुत ही स्पेसिफिक सूर्य को सेंटर मान के किया है और तारों सितारों की गणना से किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो मुझे ये समझ में आया कि 15वीं शताब्दी में हमारी आज तक वैदिक घड़ी या हमारी 30 मुहूर्तों पे घड़ी आज तक क्यों नहीं बनी, क्योंकि हमने सूर्य को सेंटर माना और सूर्योदय का टाइम किसी भी पोजीशन पे रोज बदलता जाता है। तो मैकेनिकल घड़ी कभी इस चीज को नाप ही नहीं सकती। तो ये टेक्नोलॉजी की कमी थी, ना कि हमारी ऋषियों की कैलकुलेशन की कमी थी। हमने तो स्पेसिफिक कैलकुलेट किया कि सूर्योदय पे ही दिन बदलना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इस चीज को नाप नहीं सकती थी। तो आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे सैटेलाइट, जीपीएस, इंटरनेट, इन सब की मदद से हम पृथ्वी की पोजीशन सूर्य के सामने क्या है, इसको रोज डिटरमाइन हर पोजीशन पे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या पता ये मेरे लाइफ में एक मौका हो कि मैं भारतीय कालगणना के ऊपर कुछ सोचते सोचते आया। मेरी जॉब अलग थी, मेरी फील्ड अलग थी, लेकिन मेरे को अपने आप ये कालगणना की तरफ आया और मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। तो क्या पता ये ईश्वर का दिया हुआ मुझे एक मौका हो कि मैं भारत के लिए भारतीय कालगणना पर आधारित एक घड़ी बनाऊं, जिसका साइंटिफिकली और कल्चरली दोनों ही बहुत महत्व है कि हम ये घड़ी के साथ अपने कल्चर को तो दिखाना ही चाहते हैं, साथ ही सूर्योदय को एग्जैक्टली नाप के क्या क्या समय में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, समय में आने वाली प्रॉब्लम, जैसे मैं काफी ट्रैवल करता था मर्चेंट नेवी में, तो 70 से अधिक देश जो है विश्व के, वो डे लाइट सेविंग टाइम का प्रयोग करते हैं। तो वो क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि वो सूर्य को ही नहीं नाप पा रहे, इसलिए वो 1 घंटा आगे पीछे करते रहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं, जैसे रशिया, वो अपने देश में 6 टाइम जोन का इस्तेमाल करता है बिजली की अच्छी उपयोगिता के लिए। लेकिन बहुत से बड़े देश हैं जैसे भारत, चीन, इनमें एक ही टाइम जोन है, जिसकी वजह से काफी सारी बिजली का नुकसान भी होता है। लेकिन जो हमारी वैदिक घड़ी है, ये सूर्य के सिद्धांत पर चलती है और सूर्य उदय को नापती है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम है विश्व की हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने कल्चर, अपने रिचुअल का समय जानने के साथ साथ ये घड़ी विश्व को भी फायदा पहुंचा सकती है, इसी पे मेरा एक विचार आया, इसी पे मैंने फिर काम किया और फिर मैंने ये घड़ी बनाने का 2017 में सोचा। इसको बनाते हुए मुझे कुछ समय लगा, 2-3 साल का समय लगा। 2020 में मैंने ये वैदिक घड़ी का फॉर्मूला सही से बनाया और इस घड़ी का एक वर्किंग पहला प्रोटोटाइप मॉडल बनाया। फिर मुझे, क्योंकि मैं इस फील्ड से भी नहीं था, मेरी तो फील्ड ही अलग थी, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं कहाँ बताऊं, किसको बताऊं। तो मुझे एक चीज पता थी कि समय के देवता शिव होते हैं और समय शिव के अधीन है। तो मेरे मन में बस एक बात आई, क्यों ना मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूं और मैं हर ज्योतिर्लिंग पे जाऊं और वहां पर, क्योंकि समय के देवता शिव है, तो शायद समय के रिलेटेड जो सही लोग हैं मुझे वहां मिल पाए, जो कि मेरे को एक सही दिशा बता पाए, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही दिशा में कर रहा हूँ कि नहीं, ये बता पाए। जिसके लिए फिर मैंने लखनऊ से कन्याकुमारी एक साइकिल यात्रा भी करी। तो जब मैं इस साइकिल यात्रा के दौरान महाकाल पहुंचा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, तब वहां जाकर मुझे मालूम पड़ा कि जो प्राइम मेरिडियन था वो 1851 से पहले भारत में हुआ करता था, जो कि अब इंग्लैंड में है। और 1884 के बाद जब ग्रीनविच पे ये बैठक हुई 24 घंटे की रिसर्च पे, तो ये प्राइम मेरिडियन वहां पर चला गया। तो मुझे ये जान के मैं बहुत ही श्योर हो गया कि क्यों मुझे ईश्वर ने ये 30 मुहूर्त के ऊपर घड़ी बनाने का रास्ता दिया। सत्यम वस्तुतः एतादृशाय अन्वेषणपराय ज्ञानाय अथ च अनुसन्धानाय अस्माकं युवानः कथं प्रेरिताः भवेयुः। यथा भवानपि युवा अस्ति अथ भारतीयसाहित्यं भवान् अधीतवान्, वैदिकसाहित्यम् अधीतवान्, किमपि नूतनम् अन्वेषणं कर्तुं भवान् किं चिन्तयति, कथं युवानः संस्कृतसंस्कृत्योः कृते प्रेरिताः स्युः? जी, भारतीय इतिहास में, भारतीय शास्त्रों में हमेशा से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों में भी साइंस का ही जिक्र है। हमने हमेशा ब्रह्मांड के निर्माण, धरती पे कैसे क्या चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, इन चीजों पे ही वर्क किया है प्राचीन समय से, और विश्व में एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है। हमको इन चीजों पे एक भारतवासी होने के नाते ये काम करना चाहिए। जो किताबें हमारी प्राचीन लिखी हैं, सब संस्कृत में लिखी हैं, तो भारतीय होने के कारण हम लोगों को संस्कृत हमारे डीएनए में भी है। हम ये अगर पढ़ेंगे तो हमको सबसे जल्दी समझ में आएगी। बहुत सारे दूसरे देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब वेदों पे और ये हमारी किताबों पे रिसर्च कर रहे हैं, और उनकी भाषा, मूल भाषा संस्कृत थी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उनपे रिसर्च कर रहे हैं और उनपे कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस संस्कृत का रूपांतरण वो हमको भारत में वो हमको देते हैं, जिसका कई बार रूपांतरण गलत भी आ जाता है। लेकिन भारतीय लोग जब इसको समझेंगे और इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हम सबसे सटीक वर्क कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे ही डीएनए में, ये हमारी ही धरोहर है, ये हमारा ही हेरिटेज है। तो मैं भारत के युवाओं से ये कहना चाहूंगा, जैसे हमने इस वैदिक घड़ी पर कार्य किया, और ये कार्य करते हुए मुझे समझ में आया कि ये टाइम सिस्टम कितना सटीक, इतने हजारों वर्ष पूर्व हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ था। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जिनका वर्णन हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन बस क्योंकि हम उनको कुछ धार्मिक किताबें मान लेते हैं या उसको इतिहास मान लेते हैं, इसलिए उन पे सोचते नहीं। तो अब हम दोबारा अपने शास्त्रों को उठाएं और उसमें क्या साइंटिफिक है, हमारी अप्रोच आज की दुनिया के लिए क्या होनी चाहिए कि कैसे भारत विश्व को फायदा पहुंचा पाए। तो हमारे युवा और पूरा भारत मिलकर इस पे काम करे, और यही मेरा प्रयास भी है। धन्यवाद। अस्तु महोदय। एतस्मै ज्ञानपरकाय विशेषरूपेण कालगणनापरकसंवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, अस्मान् बोधितवान्। तदर्थं वार्तावली गणपक्षतः, दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। साधु। आधुनिकप्रविधेः प्रयोगं कृत्वा आरोहवर्येण वैदिककालगणनानुसारम् अद्वितीया घटिका एषा निर्मिता अस्ति। प्रियदर्शकाः, अधुना समयः समायातः सङ्गीतनिर्झरी प्रभागस्य। सङ्गीतविषये किमस्ति अद्य सङ्कलितं नितिश? लते, अद्य नवरात्रपर्वणः एतस्मिन् विशेषावसरे दुर्गायाः नवस्वरूपाधारितं गीतं प्रस्तोष्यते। आयान्तु शृण्मः चित्ताल्लादकं सुमधुरं गीतमेतत्। कुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छित्तुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विष्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। नितीश, अर्धहोरावधिकः कालः कथं कदा च अवसानं प्राप्तः न ज्ञातः एव। तावत् दर्शकाः अनुज्ञापयन्तु अस्मान् भवन्तः पुनरागमनाय। अग्रिमे सप्ताहे पुनः नवतां समेत्य आगमिष्यामः। भवन्तः एतदङ्कं वीक्ष्य कथम् अनुभूतवन्तः इति पत्रमाध्यमेन अवश्यं लिखन्तु। पत्रप्रेषणादिकं सङ्केतम् अत्र पट्टिकायां प्रदर्श्यते। तावत् पुनर्मिलामः। नमो नमः। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्वी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः।